हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर टू की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट से लेकर फिफ्थ पार्ट तक सोल्व करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फाइंड, और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3। हमें 2.5 को मल्टीप्लाई करके दिखाना है 0.3 के साथ। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3। अब हम इन दोनों ही नंबर से डेसिमल को हटा देंगे। तो जब हम यहां से डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर में मिलेगा 25 और डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। ये 10 कैसे आया स्टूडेंट्स, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो राइट से अगर आप चेक करेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आ जाता है। ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आया, यहां से भी हमने डेसिमल हटाया तो हमें यहां न्यूमरेटर में 3 मिलेगा और अपॉन में 10 आएगा, क्योंकि यहां भी राइट से चेक कीजिए एक डिजिट के बाद डेसिमल है, और जब एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आ जाता है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहां न्यूमरेटर में 25 है, यहां न्यूमरेटर में 3 है। 25 इंटू 3 75 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 75 आ गया। यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ भी 10 है। 10 इंटू 10 100 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 100 आ गया। तो हमें मिल गया है 75 अपॉन 100। अब हम 75 को डिवाइड करेंगे 100 से। यहाँ डिनोमिनेटर में दो जीरो है स्टूडेंट्स, तो हम ये दोनों जीरो यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 75, तो जब कहीं डेसिमल नहीं दिखता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है, और जब हम डिनोमिनेटर से दो जीरो हटाते हैं तो ये डेसिमल यहाँ से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो ये 75 तो यहाँ हमने एज इट इज रखा, और ये डेसिमल जो यहाँ था ये यहाँ से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहां पर आ गया, और डेसिमल के लेफ्ट में हम ये जीरो लिखकर दिखा सकते हैं। इस जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सिर्फ लिखने का एक तरीका है। तो जब हमने 2.5 को मल्टीप्लाई किया 0.3 से तो हमें आंसर मिला है 0.75। अब हम सेकेंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 51.7। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों ही नंबर से डेसिमल को हटा देंगे। तो जब यहां से हम डेसिमल हटाएंगे तो हमें न्यूमरेटर में 1 मिलेगा और अपॉन में 10 आएगा। अपॉन में 10 इसलिए आया स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ राइट से चेक करें तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आ जाता है। ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया, और अब हम यहां से भी डेसिमल हटाएंगे। तो जब हम ये डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 517 और अपॉन में 10 आ जाएगा, क्योंकि यहां भी राइट से चेक कीजिए एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है। तो जब हमने ये डेसिमल हटाया तो यहां अपॉन में 10 आ गया। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहां न्यूमरेटर में 1 है, यहां न्यूमरेटर में 517 है। जब हम 517 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में 517 आ जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ भी 10 है। 10 इंटू 10 100 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो हमें अब मिल गया है 517 अपॉन 100। अब हम 517 को डिवाइड करेंगे 100 से। तो यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए स्टूडेंट्स दो जीरो हैं, हम ये दो जीरो यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में लिखा है 517, तो यह डेसिमल नहीं दिख रहा है, तो जब डेसिमल कहीं ना दिखे तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से दो जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से दो डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो 517 को हमने एज इट इज रखा, और यहां देखिए डेसिमल पहले यहां पर था जो इन दो डिजिट को क्रॉस करके यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब हमने 0.1 को मल्टीप्लाई किया 51.7 से तो हमें आंसर मिला है 5.17। अब हम थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 316.8। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों ही नंबर के डेसिमल को हटा देंगे। तो जब हम यहां से डेसिमल हटाएंगे स्टूडेंट्स तो न्यूमरेटर में हमें 2 मिलेगा और अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। ये 10 इसलिए आया है कि अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो राइट से चेक करें तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया। अब हम यहां से भी डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा
3168 और अपॉन में 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी राइट से चेक करेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब ये डेसिमल हमने हटाया तो यहाँ पर भी अपॉन में 10 आ गया। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 है, यहाँ न्यूमरेटर में 3168 है। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3168 से तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 6336। यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ भी 10 है डिनोमिनेटर में, 10 × 10 100 होता है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 आ गया। तो अब हमें मिल गया है 6336 अपॉन 100। अब हम 6336 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए स्टूडेंट्स 2 0 हैं, हम इन दोनों 0 को हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में लिखा है 6336, कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा है, तो जब डेसिमल कहीं नहीं होता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से 2 0 हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 6336 यहाँ पर हमने एज इट इज रखा, और ये डेसिमल जो यहाँ पर था ये यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। तो जब हमने 0.2 को मल्टीप्लाई किया 316.8 से तो हमें आंसर मिल गया है 63.36। अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3.1। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों नंबर के डेसिमल को हटा देंगे। जब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे स्टूडेंट्स तो न्यूमरेटर में हमें 13 मिलेगा और अपॉन में 10 आ जाएगा। ये 10 इसलिए आया है कि अगर आप राइट से चेक करें तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, और जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होती है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आ जाता है। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ एज इट इज आ गया। अब हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो न्यूमरेटर में 31 आएगा और अपॉन में 10, क्योंकि यहाँ भी राइट से चेक करें एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब हमने ये डेसिमल हटाया तो अपॉन में 10 आ गया। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ न्यूमरेटर में 13 है, यहाँ न्यूमरेटर में 31 है। जब आप 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 403। यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ भी 10 है, 10 × 10 100 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 100 आ गया। तो अब हमें मिल गया है 403 अपॉन 100। अब हम 403 को डिवाइड करेंगे 100 से। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 2 0 हैं, तो हम ये 2 0 हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में लिखा है 403, डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा, जब डेसिमल कहीं नहीं होता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है, और जब हम डिनोमिनेटर से 2 0 हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये 403 यहाँ पर हमने एज इट इज लिख दिया, और ये डेसिमल जो यहाँ पर था ये यहाँ से ये 2 डिजिट क्रॉस करके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब हमने 1.3 को मल्टीप्लाई किया 3.1 से तो हमें आंसर मिल गया है 4.03। अब हम फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों नंबर से डेसिमल को हटा देंगे। जब हमने यहाँ से डेसिमल हटाया स्टूडेंट्स तो न्यूमरेटर में हमें मिला 5 और अपॉन में 10 आ गया। 10 इसलिए आया कि यहाँ अगर आप राइट से चेक करें तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आ जाता है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आया। अब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे। जब हमने ये डेसिमल हटाया तो यहाँ न्यूमरेटर में 5 आएगा और अपॉन में 100 आएगा। देखिए स्टूडेंट्स डेसिमल के बाद 0.5 है, लेकिन हमने यहाँ पर जब डेसिमल हटाया तो सिर्फ 5 लिखा, क्योंकि 0.5 लिखें या 5 लिखें बात एक ही होती है। तो जब ये डेसिमल हटा तो न्यूमरेटर में तो 5 आ गया और अपॉन में 100 इसलिए आया कि अगर आप राइट से चेक करें तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जब राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ न्यूमरेटर में 5 है, यहाँ भी न्यूमरेटर में 5 है, 5 × 5 = 25 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 25 आ गया। यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1000 आ गया। तो अब हमें मिल गया है 25 अपॉन 1000। अब हम 25 को डिवाइड करेंगे 1000 से।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 0 है, हम इन तीनों जीरो को यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। तो न्यूमरेटर में 25 लिखा है, कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा है। तो जब डेसिमल कहीं नहीं होता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से 3 0 हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 25 यहाँ पर हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये डेसिमल यहाँ पर था स्टूडेंट्स, और हमें डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है। तो पहले ये इस डिजिट को क्रॉस करेगा, फिर इस डिजिट को क्रॉस करेगा, लेकिन 2 के लेफ्ट में तो कोई डिजिट ही नहीं थी। तो हमें तो डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है। तो 5 और 2 को तो ये क्रॉस कर चुका है, तो तीसरे डिजिट के लिए हम यहाँ 0 लगा देंगे और डेसिमल अब इन 3 डिजिट को क्रॉस करके यहाँ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब हमने 0.5 को मल्टीप्लाई किया 0.05 से, तो हमें आंसर मिला है 0.025। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।